दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी किसी फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके हो, आप भी किसी सेवन डेज वाले लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके हो और आपको बहुत ही ज्यादा हरासमेंट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। कोई भी फ्रॉड लोन ऐप हो, कोई फर्जी लोन ऐप हो, जिसकी ना तो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का पता ना ही उनके पास है RBI रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है, वो बिल्कुल फ्रॉड लोन ऐप होते हैं, और अगर आप उसके चक्कर में फंस जाते हो तो आप उनसे कैसे बच सकते हो। दोस्तों सबसे ज्यादा इनके चक्कर में जो फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं वो फंस जाते हैं। जब भी आप कहीं पर लोन ऐप को सर्च करते हो तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है और ऐड भी इनकी बीच में ऐड भी आती रहती है, और कहीं भी सबसे ज्यादा इनकी ऐड ही दिखाई देती है। और जो फर्स्ट टाइम लोन लेता है उनको इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है और इनके जासे में आ जाता है और बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे परेशान करते हैं, कैसे हरासमेंट करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हो। अगर आप भी सेवन डेज लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके हो, आप इनसे कैसे बच सकते हो, आप फर्जी लोन ऐप से कैसे बच सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप फर्जी लोन ऐप से कैसे छुटकारा पा सकते हो। सिर्फ दो मिनट के अंदर सिर्फ आपको दो स्टेप करने हैं और आप फर्जी लोन ऐप से बच सकते हो, फिर ये आपको हरासमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सेवन डेज वाले लोन ऐप होते हैं, जो भी इनको सेवन डेज वाला लोन ऐप क्यों बोला जाता है, ये फर्जी लोन जो भी फर्जी लोन ऐप होते हैं ये आपको लोन देते दिखाएंगे, आपको 5 से 6 हजार रुपए का लोन अमाउंट अप्रूव हो गया है और आपके अकाउंट में आएगा सिर्फ 3,000 या 3,200 या 2,800 रुपया आएगा, और फिर आपको बोलेंगे कि 7 डेज के अंदर आपको अगर 5,000 का लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है तो आपको 6,000 रुपए की रिपेमेंट करने के लिए बोलेंगे। इनका कोई साल का टाइम नहीं होता, ना महीनों का टाइम होता है, ये सिर्फ 7 डेज की रिपेमेंट का प्रोसेस चलाते हैं, इसीलिए इन्हें 7 डेज वाला लोन ऐप बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको कैसे परेशान करते हैं, एक तो ये आपका लोन अमाउंट तो ज्यादा अप्रूव दिखाएंगे और आपके अकाउंट में अमाउंट आएगा बहुत ही कम, और फिर आपसे रिपेमेंट मांगेंगे अप्रूव लोन अमाउंट से भी ज्यादा, वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आप इनकी रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों रिपेमेंट तो आपको इनकी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्जी लोन ऐप होते हैं, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना आपके सिविल पर इफेक्ट कर सकते, क्योंकि ये RBI रजिस्टर्ड नहीं होते, इसलिए सिविल पर ये आपके कोई भी असर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ करते हैं, सबसे पहले तो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको डराएंगे धमकाएंगे, आपसे कैसे भी करके आपके रिपेमेंट आपसे रिपेमेंट निकालना चाहेंगे। फिर सेकंड स्टेप करते हैं कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट पर कांटेक्ट करेंगे, आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, लोन अमाउंट लिया 5,000 रुपये का बताएंगे 10,000 रुपये का, आपकी बहुत ही बदनामी कर देंगे। और दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके फोन में जो भी फर्जी लोन ऐप इंस्टॉल होता है आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है कि आपको उस लोन ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना है, फिर आपका सारा डाटा वहां से हट जाएगा, क्योंकि ये फर्जी लोन ऐप वाले क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक करते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट का सारा डाटा इनके पास होता है, और अगर आप इनकी रिपेमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट को भी हैक कर लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होता है ये सारा का सारा निकाल लेते हैं और आप फिर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है कि आपको अपने मोबाइल से इस ऐप को हटा देना है, डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, फिर ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सेकंड हरासमेंट ये होता है कि ये आपको धमकी देते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों पर आपके फोटो मोब कर भेजेंगे, क्योंकि इनके पास गैलरी का ऐसे भी चला जाता है जिसमें आपके पर्सनल फोटो भी होते हैं, और ये फिर आपको धमकी देते हैं कि आपके फोटो को मोपिंग करेंगे, आपके रिश्तेदारों को भेजेंगे। फ्रेंड्स ऐसी धमकी आपके पास भी आ रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं, आपको इस धमकी से भी बिल्कुल भी नहीं डरना है। दोस्तों आपको क्या स्टेप करना है कि आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों को पहले ही बता देना है, अगर उनके पास कोई ऐसा मैसेज आता भी है तो आपको अपनी प्रॉब्लम बता देना है कि ऐसे ऐसे फर्जी लोन ऐप के चक्कर में हम फंस चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है या व्हाट्सएप पर कॉलिंग आती है तो आपको उस नंबर को ब्लॉक कर देना है,
फिर वो आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप मैसेज से बचने का यही तरीका कि आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों को पहले ही अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देनी है, फिर वो आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे क्योंकि वह पहले ही जान चुके होंगे कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड्स आपको ये दो स्टेप करने जिससे आप 7 डेज वाले लोन ऐप से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तरह से लाइक जरूर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें।